सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक में सते ढी भी बरसात सखर और कंधकोर के मुख्तलिफ़ इलाक में गोडे जितो पानी भी लाड़काणो खैरपुर शिकारपुर जैकबाद पनवाकल खानपुर गढ़ी खेरो ओबावड़ो ठुल कंधरा गुटू मियाँ साहब नारो मुबारकपुर मीरपुर बुरड़ो ठिकराठो में भी तेज बरसात सखर और खैरपुर में बरसात सबब खजी के फसल के नुकसान मुख्तलिफ़ इलाक में बिजली बंद थी वही कंधरा भरसा गुट बख्श कटपर में जबलन तां नयूं वही अचण खां पोए केतरा ही घर पानी हेठ अची वया सिंधु दरिया में चाड़ जो सिलसिलो जारी गुटू बैराज वट विचोले दर्जे की बोड डिक्लेयर सखर बैराज में नंढी बोड बरकरार दरिया में चाड़ बाद गुटू और सखर बैराज जा कच्चे वारा इलाका पानी हेठ अचण लगा गुटू बैराज वट मथां वह करोड़ 3,58,000 क्यूसिक हेठां वह करोड़ 3,49,000 क्यूसिक रिकॉर्ड सखर बैराज मथां वह करोड़ 2,81,000 क्यूसिक हेठां वह करोड़ 2,60,555 क्यूसिक थी वियो कोटड़ी बैराज वट मथां वह करोड़ 1,18,147 क्यूसिक हेठां वह करोड़ 86,932 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो दादू जिले के कच्चे काछे में बरसातुन खां पोए बोड जड़ी सूरतहाल जो जायजो वठण लाए पाक फौज अमलदार पहुंची वया डिप्टी कमिश्नर दादू सा गड पाक फौज के कर्नल आफ्ताब बशीर एमएनपी ड्रेन एफपी बंद जो दौरों कयो नए गाछ में बरसाती वहकरन बाद बोड के पैदा थींदड़ सूरतहाल जो जायजो वरतो डीसी दादू खेस ब्रीफिंग दिनी मेरे कंट्रोल में ना पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 बी पास्ड इट हैज बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 द पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 बी पास्ड दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए दोज अगेंस्ट द मोशन में से नो आई थिंक दाइज़ द मोशन इज अडॉप्टेड एंड द बिल इज स्टैंड पास्ड मिस्टर चेयरमैन मैं ये समझता हूं कि जो अभी तीन या चार बिल पास हुए हैं ये पार्लियामेंट की तारीख का स्याह दिन है क्योंकि इस तरीके से ब्लाइंड लेजिस्लेशन यानी हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस बिल में क्या है किस बिल में कितनी सेक्शंस हैं और इस ब्लाइंड लेजिस्लेशन के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूँ फौज के बदनाम करण से 2 साल कैद और दंड की सजा मिलंदी हसास ड्यूटी तां रिटायर थींदड़ शख्स भी 5 सालन ताईं सियासत में हिस्सो न वठी सघंदो सेनेट आर्मी एक्ट तरमीम बिल मंजूर करे वरतो अपोजिशन जूं तरमीमूं रद तरमीमी बिल तहत फौज खिलाफ इंकशाफ कंदड़नि ते आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तहत केस हलायो वेंदो आर्मी चीफ या बाख्तियार ऑफिसर की इजाजत से इंकशाफ कंदड़ के सजा न मिलंदी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल डीएचए तरमीमी बिल भी सेनेट मंजूर कर वरतो तकड़ में कानून साजी करण वाले अमल खिलाफ पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी नेशनल पार्टी के ताहिर बिजन जो पारा ऐवान मां वॉकआउट इस्लामाबाद हाईकोर्ट तोशाखाना केस की कार्रवाई रोकण बाबत पीटीआई चेयरमैन की इस्तदा रद्द कर छी केस ईंदड़ हफ्ते हलण जो हुकुम चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज कल फैसलो बुधाईदे 6 केसन में अदालत की मुंतकली वारी दरख्वास्त रद्द कर छी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के दरख्वास्त दियण जो हुकुम बलोचिस्तान सुई के सेंटेक रिकॉर्डेड जेड़न वसीलन सा मालामाल आहे बलोचिस्तान जे वसीलन ते पेरियों हक भी मकामी माण्हुनि जो आहे वजीर आजम शहबाज शरीफ जो गवादर में तकरीब के खिताब वजीर आजम चयो त गुज़िरियल हुकूमत 4 सालन दौरान बलोचिस्तान में को भी तरक्याती कम न करायो हिक सिरप न लगाई वई अफ़सोस आहे त 2015 खां पोइ गवादर बंदरगाह जी ड्रिलिंग भी न कई
चीन सऊदी यूएई दुखियन हालतुन में असांजी तमाम घणी मदद कई है। वजीर आजम गवादर के दौरे दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबन जो इफ्तिताह पीढ़ जो पत्थर रखी छोड़ो। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वफाकी वजीरन बेन अमलदारन शिरकत कई। इनके कायद ने हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था उस वक्त इनका जमीर नहीं जागा था। उस वक्त इनका जमीर किधर था? उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे जो मरियम नवाज के मुतल्लिक इनके लीडर ने कहा, ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत कर लेता हूँ। दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ जी सेनेट में तकरीर दौरान पीटीआई सेनेटर जो एहतजाज नारेबाजी औरतुन बाबत गालहल जुमले ते माफी वठण जो मुतालबो। ख्वाजा आसिफ माफी वठण का इनकार कंदे चयो त मर्द सियासतदानन खिलाफ सदाई गालहायो वेंदो आहे, मूं बि औरत सियासतदानन बाबत जुमलो चयो हो। अपोजिशन वारा मूं बाबत गालहाइण खां पहिरीं पंहिंजे अंदर झाती पाइन। पहिरीं मरियम नवाज़ खिलाफ़ बयाननि ते माफ़ी वठनि त आऊं बि माफ़ी वठण लाइ तयार आहियां। सिंध हुकूमत पारां सीसीआई वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जे मुलाज़िमनि खे बि पेंशन ॾियण जो फ़ैसिलो। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत सूबे जे समूरनि शहरनि में सनअती ज़ोन लॻाए रोज़गार जा ज़रिया पैदा कंदी। पीपल्स पार्टी जी वाहिद हुकूमत आहे जंहिं सिंध में बोड मुतासिरनि खे घर ठहिराए ॾिना आहिनि, ॿियनि सूबनि में कुझु नाहे थियो। बिजली यूनिट जो बुनियादी टैरिफ 42 रुपया 72 पैसा थी वियो। बिजली जी क़ीमत में वाधि जो नोटिफिकेशन जारी। माहवार 51 खां 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल कंदड़ लाइ फी यूनिट 70 रुपया 74 पैसा बरक़रार। 1 खां 100 यूनिट ताईं जी प्रोटेक्टिक वाफ़ेदारनि लाइ फी यूनिट 70 रुपया 74 पैसा बरक़रार। माहवार 101 खां 200 यूनिट ताईं प्रोटेक्टिक वाफ़ेदारनि लाइ फी यूनिट 10.5 बरक़रार। माहवार 700 यूनिट खां वधीक टैरिफ वाफ़ेदारनि लाइ 7.5 रुपए जी वाध सां 42 रुपया 72 पैसा फी यूनिट थी वियो। माहवार 501 खां 600 यूनिट टैरिफ 7.5 रुपया वाध सां 36.66 पैसा हूंदो। सिंध हाईकोर्ट पुलिस में आला सतह मुक़ररनि ऐं बदलियुनि बाबति अॼु सिंध खे मुकमल इख़्तियार ॾियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत सिंध हुकूमत खे मुक़ररीअ जे मुदे खां अॻु आई जी सिंध खे हटाइण खां रोके छॾियो। सिंध हाईकोर्ट पुलिस में सियासी मुदाख़लत ख़तम करण बाबति कानून साज़ी ख़िलाफ़ दरख़्वास्तुनि ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत रिमार्क ॾींदे चयो आहे त आई जी सिंध हर हाल में 3 सालनि वारी पंहिंजी मुदत पूरी करे खेसि 3 सालनि खां अॻु तब्दील न कयो वञे। कराची जे इलाइक़े डिफेंस में गुज़िरियल ॾींहुं हथियारबंदनि जी करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलाम ऐं संदस साथियुनि जी लाज़वाल क़ुर्बानीनि जी यादि में आज़ादारी जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में हज़रत गाज़ी अब्बास जी यादि में अलम पाक जा जुलूस बरामद। कराची में 8 मुरमुल हराम जो जुलूस मंज़िल तरफ़ रवा दवा। मातमी जुलूसनि जी रूट ते मोबाइल फोन सर्विस बि बंदि कई वई। बलोचिस्तान में क़ाइम हब डैम बरसात जे पाणीअ सां भरिजी वियो। स्पिल वे मां पाणी निकरण लॻो। आबादीअ खे महफ़ूज़ हंधनि ते मुंतक़िल करण जी हिदायत। हब डैम में पाणी सतह 349 फुट थी वई। आबपाशी अमलदारनि जो चवणु आहे त हब डैम में 6,87,000 क्यूसिक थी वियो आहे।
बलोचिस्तान खीरथर रेंज में पयल बरसातन जो पानी मंछर पहुंची वो मंछर की सतह में वाद आपाशी खाते मंछर ढंड से एमरजेंसी लागू कर छी अमलदारन जो चवण है तो चैन डीह दौरान मंछर ढंड में 5 फुट पानी वध्यो है मंछर में पानी की सतह 112 आरएल ताई पहुंची वही है 30 फुट पानी की गुंजाइश अजा मौजूद है। पाकिस्तान श्रीलंका के बिन टेस्ट मैचेस वाली सीरीज में व्हाइट वॉश कर छो कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के एक इनिंग 222 रन से शिकस्त नुमान अली शानदार बॉलिंग कर श्रीलंका की 7 रांदीगर के पवेलियन जो रस्तो दिखार पाकिस्तान पहरी इनिंग 576 रन ठाहे डिक्लेयर कई हुई श्रीलंका टीम की बी इनिंग में 188 रन से ढेर थी वही।